आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेसोजोइक एरा पे। यह वही एरा है जिसमें रेप्टाइल्स और डायनासोर्स का ओरिजिन हुआ और इसी एरा के खत्म होते होते डायनासोर भी विलुप्त हो गए। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। आइए आगे की टॉपिक्स को विस्तार से समझते हैं। यह एक पीरियड है 250 मिलियन साल से 70 मिलियन साल पहले का। इस पीरियड को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। अभी के अकॉर्डिंग तब मेसोजोइक एरा में हमारा पृथ्वी ज़्यादा गर्म हुआ करता था। साल 1800 में इंग्लिश जूलॉजिस्ट जॉन फिलिप्स मेसोजोइक टर्म को बताया था। मेसोजोइक एरा तब स्टार्ट हुआ जब 96% मेरिन लाइफ और 70% टेरेस्ट्रियल स्पेसिस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। फिर लाइफ स्लोली रिबाउंडेड हुई और एनिमल्स में डाइवर्सिटी होनी स्टार्ट हो गई, जिसमें छोटे छोटे रेप्टाइल्स से बड़े खतरनाक रेप्टाइल्स यानी डायनासोर्स का उदय होना शुरू हो गया। इसी पीरियड में जिम्नोस्पर्म जैसे कि कॉनिफर्स पाइन्स का भी उदय होना शुरू हो गया था। मेसोजोइक एरा को तीन पीरियड्स में डिवाइड करा गया है, ट्रायसिक पीरियड, जुरैसिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। अब हम बात करते हैं पहला यानी ट्रायसिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड 250 से 200 मिलियन साल पहले का है। इस पीरियड में रेप्टाइल्स और डायनासोर जमीन हवा और पानी को उपनिवेश करना शुरू कर दिया था। फर्न्स और कॉनिफर्स फॉरेस्ट पे डोमिनेट करने लगे थे। फिश और इंसेक्ट इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। अब हम बात करते हैं दूसरा यानी जुरैसिक पीरियड पे। इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ डायनासोर भी कहा जाता है। आप लोगों ने जुरैसिक मूवी तो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लें, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इसी पीरियड में डायनासोर्स अर्थ पे डोमिनेट करने लगे थे। इस पीरियड के दौरान पहला बर्ड अपीयर हो गए थे जो इवॉल्व थेरापोड डायनासोर्स के ब्रांच से हुए थे। ओशियन में मरीन रेप्टाइल्स यानी इक्थीसोर्स एंड प्लेसीसोर्स बस गए थे, जबकि प्लेटीसोर्स फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स पे डोमिनेट करने लगे थे। अब बात करते हैं इस एरा के आखिरी पीरियड्स यानी क्रिटेशियस पीरियड। यह पीरियड खास तौर पर डायनासोर के विलुप्त को रिप्रेजेंट करता है। इस पीरियड में फ्लावरिंग प्लांट अर्थ पे डोमिनेट करने लगे थे। ओशियन से जितने भी मरीन रेप्टाइल्स थे सारे विलुप्त हो गए। इस पीरियड में कुछ खास इंसेक्ट्स जैसे एंट्स, टर्माइट्स, बटरफ्लाई इत्यादि सारे अपीयर होना शुरू हो गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक्स के साथ, तब तक देखते रहिए जूलॉजी वर्ल्ड।